झिलमिला या हीरे वाली मछली बनाए खातिर आपके झाड़ू का डंठी लगी, रबर का टुकड़ा, कैंची, स्क्रू, धागा, पेन का ढक्कन और रिफिल लगी। पहले एगो पेन का ढक्कन ले लें और ओकरे छोर पे एगो छेदा मार लें। सेम कहले के बाद 2 सेंटीमीटर लंबा एगो रिफिल ले लें और ओके वो छेदा में एकदम अच्छा से टाइट बिठा दें। आप लोग देख सकें जा कित तरह। ऐसे कहले के बाद ढक्कन के अंदर रबर डाल लें और ओकरे अंदर एगो लकड़ी वाला स्क्रू अंदर डाल लें। स्क्रू करके स्क्रू के घुमा के आप लोग ओकर लंबाई तय कर सके नीचे। अब धागा के एगो छोर अपने रिफिल के अंदर से डाल के निकाल लें। धागा का दूसर छोर झाड़ू के एगो डंठी के लगल भैल हुए आप लोग देख सकते हैं जा। अब धागा का खुलल भैल छोर लेके अपन झाड़ू के डंठी के दूसरे छोर पे लगा लें ताकि ये एगो कमान के जैसन बन सके। आप लोग देख सकते हैं जा कितर बने लगी। हाँ कि धागा इतर बनले से झाड़ू का डंटी मुड़ल भैल हवे, इसलिए धागा के हमेशा टाइट रखेला। आप लोग देख सके नहीं जा। अगर आप लोग एक एक खड़ा करें जा तो आप लोग देख सके नहीं जा कि टोपी एकदम अद्भुत तरीका से नीचे आयला, हिल हिल के आयला नीचे। आप लोग देख सके नहीं जा, ये छोटा छोटा झटका में नीचे आयला। आप लोग देख सके नहीं जा। अब आप लोग ये रिफिल पे एगो कागज का कलर करल भैल एगो मछली चिपका दें और आप लोग ऊपर से छोड़ दें तो आप लोग देख सकें जा कि पहले की तरह ये मछली वही तरह छोट छोट हिस्सा में कूदत भैल नीचे गिरेली। ये एगो कापत भैल या हिलत भैल मछली के जैसे नीचे आएली।